तो आज का जो वीडियो है उसमें एक छोटा सा बात डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में अचानक आया। शर्मा जी, आजकल मालूम है मैं अपनी बहन के पास कल गया, शी इज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम गया उसके पास, हम बोला कि यार देखो मेरे को ना ये एसआईपी में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ में नहीं आ रहा, क्या मालूम है उसका जवाब क्या था? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे एक इतना पढ़ा लिखा इंसान के पास जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उसके पास जवाब होगा, वो बोलेगी अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे। उसने पता है क्या बोला? मुझसे पूछने क्यों आए हो? गूगल में जाके सर्च करो। दिस इज द रिप्लाई ऑफ दिस जनरेशन विच इज लिविंग इन द इंटरनेट। ये रिप्लाई है इस जनरेशन का इंटरनेट के वजह से, कि कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछो ना आजकल तो सीधा ये जवाब देता है, अरे क्या पूछने का जरूरत है आजकल, जाओ ना गूगल पे सर्च करो। बट क्या सारा इंफॉर्मेशन जो हम लोग को गूगल, यूट्यूब या कोई भी सर्च इंजिन पे मिलता है, क्या उस इंफॉर्मेशन का लेजिटिमेटी है? ये कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। नथिंग कैन रिप्लेस द एक्सपीरियंस। जब तक आप उस सिचुएशन में खुद को पाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्या उस सिचुएशन का वैल्यू आपको गूगल या यूट्यूब पे बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग होटल रूम्स देखते हैं, यार रूम है, कई रूम है भाई जी। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी होता है, जब हम लोग एग्जैक्ट, हम लोग के साथ हुआ है, हम सानुभ्या जिनेश हम लोग गए, हम लोग होटल का रूम कुछ और देखे, पाया कुछ और, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि इंटरनेट पे लोग ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो प्रोडक्ट देते हो, रही और क्या प्रोडक्ट है, बढ़िया लग रहा, बढ़िया मिलता कुछ और है। थर्ड वेरी, मैं होम लोन के बारे में बहुत बात करता हूँ, होम लोन के, क्योंकि मेरे को भी था होम लोन लेना, पैसा चाहिए, घर चाहिए, नहीं ले पाया। होम लोन का जब मैंने वीडियो, मैंने सोचा यार यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, थोड़ा यूट्यूबर को सपोर्ट करूँ, मैं थोड़ा वीडियो देखता हूँ कि क्या है वीडियो। मैंने देखा वो बोला 5 टिप्स है होम लोन मिल जाएगा, बैंक में जाओ, डॉक्यूमेंट दो, ये करो वो करो, 5 टिप में होम लोन डन, उसके बाद तुमको 272,000 का प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फायदा मिलेगा, सब मेरे को पता है। बोला बहुत कुछ, बोले होम लोन में क्या है, चद्दर टांग के सो, जिस दिन पैसा का जरूरत होगा होम लोन जाएंगे, मिल जाएगा। क्या ये ग्राउंड रियलिटी था? मैं जब गया मेरे को 25 डॉक्यूमेंट का लिस्ट उन्होंने पकड़ाया, बोला पहले ये लेके आओ नहीं तो घुसना मत मेरे बैंक में, कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, दिखता कुछ और है, मिलता कुछ और है। और छोटा सा प्रमोशन करूंगा अपने चैनल का, वो ये कि अरे यार जो है इसमें हम लोग फुल ग्राउंड रियलिटी बताते हैं, क्योंकि हम लोग वही एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो हम लोग खुद फील किए हैं, जिस जगह पे हम लोग खुद खड़े। अगर मैं होम लोन के बारे में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, 23 साल का बंदा क्या ही बता पाएगा? क्योंकि मैं होम लोन अप्लाई करने गया था और मेरे को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं सोचा मेरे जैसे कितने लोग होंगे, इसीलिए मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है अरे यार को, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो ग्राउंड रियलिटी से, जमीन से जोड़ता है। बोलते हैं ना मम्मी पापा, जमीन नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, तो वही हम लोग का मेन मोटिव है, जमीन नहीं छोड़ना है, जो भी रियल ट्रूथ है वही बताना है। और हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे राइट नहीं है, एक्सपीरियंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।